हापुड़ में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में प्रयागराज हाईकोर्ट समेत पूरे प्रदेश के अधिवक्ता सोमवार से 3 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल और कानपुर बार और लॉयर्स एसोसिएशन ने 3 दिनों तक कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। कानपुर में यूपी बार काउंसिल और लॉयर्स एसोसिएशन ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन के बाद ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि अगर हापुड़ घटना की निष्पक्ष जांच और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो मंगलवार को कानपुर के अधिवक्ता पुलिस के आला अधिकारियों का पुतला दहन करने को बाध्य होंगे। यूपी बार काउंसिल के सदस्य अंकज मिश्रा और बार एसोसिएशन के निवर्तमान अध्यक्ष नरेश चंद्र त्रिपाठी ने हापुड़ घटना की निंदा करते हुए कहा कि हापुड़ की घटना का 3 लाख से ज्यादा अधिवक्ता विरोध कर रहे हैं। हापुड़ जनता जनपद में जिस ढंग से वकीलों महिला अधिवक्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया जिसमें तमाम हमारे अधिवक्तागण घायल हुए, महिला अधिवक्ता घायल हुई, उसको लेकर उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के आह्वान पर हम लोग 3 दिन स्ट्राइक पर रहेंगे। हमने अभी धरना देकर ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में मेरी मांग है कि उत्तर प्रदेश में एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम बड़ा भीषण होगा। मित्रों, अब प्रदेश का अधिवक्ता अपना अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हर वो कदम उठाएगा जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने उठाए थे। हम विधि अनुकूल विधि द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत यहाँ से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक जाएंगे, अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू कराएंगे और अधिवक्ताओं के सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देंगे। इसलिए अब अधिवक्ता आंदोलनरत हो चुके हैं। अगर अधिवक्ताओं पर इसी तरह से प्रताड़ना होती रही तो वे सरकार बदलने को भी तैयार हैं।